हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं दो दुश्मनों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक कहावत है, हॉनेस्ट एनिमी इज बेटर देन ए फ्रेंड फुल लाइज। तो वैसे ही एक स्टोरी है ये, जहां पे दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब B-17 की एक बहुत बड़ी ग्रुप, यानी कि बॉम्बर ग्रुप, यानी कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होती है वैसे ही बॉम्बर ग्रुप होती है जो बॉम्ब डालती है दुश्मनों के एरिया में जाती है। तो B-17 की एक ग्रुप जो जो फ्लाइट्स थे वो सब एक फॉर्मेशन में जाते हैं, ब्रिमेन के एरिया में जाते हैं, यानी कि जर्मनी में ब्रिमेन बोल के एक जगह था, वहां पे एक प्रोडक्शन फैसिलिटी था फाइटर एयरक्राफ्ट का। जर्मनी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनते थे ब्रिमेन में बनते थे। तो ये फॉर्मेशन में, B-17 के फॉर्मेशन में इंग्लैंड का एक पायलट था, चार्ल्स ब्राउन। तो चार्ल्स ब्राउन अपने साथियों के साथ वहां पे जा रहा था और उसका जो एयरक्राफ्ट था B-17 का, जो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट था और उसमें बहुत सारे गनर्स बैठे थे, यानी कि 4 से 5 गनर्स बैठे रहते थे एंड वो दुश्मन के एरिया में जा रहे थे। तो ये बात है 20 दिसंबर 1943। तो जब चार्ल्स ब्राउन अपने दोस्तों के साथ ब्रिमेन की तरफ जा रहा था, तभी जर्मनी में सब फाइटर पायलट्स को पता चला कि भाई एक पूरा ग्रुप, B-17 का एक पूरा बड़ा ग्रुप उनके वहां पे बॉम्ब डालने के लिए आ रहा है। तो वहां पे बहुत सारे जर्मन फाइटर्स आए और अंधाधुन उनके ऊपर फायरिंग करने लगे। उसमें से ऑलमोस्ट 90-95% जो बॉम्बर्स थे सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अभी जो बाकी जो एक बचा हुआ जो बॉम्बर था वो चार्ल्स ब्राउन बोल के एक पायलट का बॉम्बर था, और वो बॉम्बर लेके उसने उस एरिया में जाया गया और उसने बॉम्ब भी डाला और आते वक्त उसने दो एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। लेकिन जब आ रहा था तो जर्मनी के फाइटर प्लेन्स ने उसके ऊपर इतना अंधाधुंध फायरिंग किया कि उसकी ऑलमोस्ट लाइक 40% उसके जो एयरक्राफ्ट के बॉडी के 40% डिस्ट्रॉय हो चुकी, और उसमें से एक गनर मारा गया था और बाकी सब इंजोर्ड हो गए थे। चार्ल्स ब्राउन को भी इंजुरी हुआ था। तो जब ये वापस जा रहे थे तभी जर्मनी का एक फाइटर पायलट फॉलो करता है, चार्ल्स ब्राउन के प्लेन को फॉलो करता है, और वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट रहता है, यानी कि जर्मनी का जो पायलट रहता है उसका नाम रहता है फ्रांस स्टिगलर। तो वो आता है, साइड में आता है और चार्ल्स ब्राउन को बोलता है कि तुम लैंड हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। लेकिन इसके लिए चार्ल्स ब्राउन ऐसे ही अपना सर हिला देता, बोलता कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं होने वाला, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैसेज देता, यानी कि दोनों आस पास में ही रहते हैं। तो उसके बाद स्टिगलर बोलता है कि भाई, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो बोलता है कि भाई मैं कोई थ्रेट नहीं हूँ। तो वो स्माइल करता है, सब कुछ करता है, लेकिन चार्ल्स ब्राउन के दिमाग में तो यही है कि ये तो जर्मन फाइटर, ये तो कभी भी मुझे मार गिराएगा। तो चार्ल्स ब्राउन ऐसे ही वो अपने टूटे फूटे प्लेन लेके ऐसे जा रहा था। तो अभी क्या हुआ कि बेसिकली जो स्टिगलर था ना, स्टिगलर का जो एयरक्राफ्ट था, स्टिगलर पीछे गया और उसके एयरक्राफ्ट के पीछे गया। तभी चार्ल्स ब्राउन को लगा कि भाई ये तो मुझे मार गिराएगा 100% है, क्योंकि तो जर्मन फाइटर है, वैसे भी मैं तो उनके एरिया में बॉम्ब डालने गया था, अब ये तो मुझे छोड़ने नहीं वाला, तो 100% मुझे मारने वाला। लेकिन हुआ ये कि कुछ नहीं हुआ था एंड बेसिकली चार्ल्स ब्राउन बोला कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा तो डेथ का टाइम भी आ चुका है लेकिन अभी भी मैं मरा नहीं हूँ और उसने मुझे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया। फिर से वापस ये फाइटर पैरेलली आता है और स्टिगलर उसको सैल्यूट मारता है। तो चार्ल्स ब्राउन समझ जाता है कि भाई ये थ्रेट नहीं है, ये कुछ तो कर रहा है लेकिन मेरे लिए खतरा नहीं है, ये चार्ल्स ब्राउन समझ लेता है। अभी ये जो दोनों प्लेन साथ में उड़ते हैं, अभी स्टिगलर के मन में ये था कि बेसिकली इसको सेफली कहीं पे लैंड करा दे, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि भाई इतना टूटा फूटा प्लेन है, इसको मैं क्या मार गिराऊंगा, ऑलरेडी ये टूटा फूटा है। तो बस उसको कुछ रेस्पेक्ट था कि भाई इतने टूटे फूटे प्लेन को भी वो कैसे उड़ा रहा है। तो उसने क्या किया, उसको बोला कि तुम स्वीडन में उतर जाओ। लेकिन चार्ल्स ब्राउन को ऐसा लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि एनिमी तो एनिमी ही होता है। तो उसने क्या किया, उसका इशारा नहीं समझा और वो ज़बरदस्ती अपने प्लेन को उठा के इंग्लैंड में जाके लैंड कर। अभी इंग्लैंड में जाके लैंड करने के बाद उसने 40 साल ये सीक्रेट बाहर नहीं बोला, किसी को नहीं बताया कि भाई एक जर्मन फाइटर ने मुझे सपोर्ट किया था और मुझे प्रोटेक्ट किया था अपने जर्मन एरिया में, मुझे एस्कॉर्ट किया था। नहीं तो क्या होता था कि बेसिकली वहाँ के जो गनर्स थे ना, जो ग्राउंड लेवल में जो गनर्स थे, एयरक्राफ्ट गनर्स थे, वो उसको मार गिराते जस्ट बिकॉज
स्टिगलर का जो प्लेन साथ में उड़ रहा था और उन्होंने देखा कि एक जर्मनी का फाइटर साथ में उड़ रहा था, कुछ तो होगा, उसको मार गिराने का प्लान बना रहा होगा, इसलिए उन्होंने तक फायरिंग नहीं किया था, तो उसने एस्कोर्ट किया था जर्मनी के एरिया से। तो अगर ये बात उसने इंग्लैंड में बताई तो उसको बहुत यू नो इंसल्ट मिलता, या फिर उसका यू नो पूरा ऐसा होता कि बेसिकली जर्मनी वाले जीत गए, ऐसा वाला प्रोपागेंडा फैल जाता था। तो इसीलिए चार्ल्स ब्राउन ने ये बात 40 साल किसी को नहीं बताया, लेकिन 40 साल के बाद जब रिटायर हो गया था तो उसने ढूंढने की कोशिश की भाई कि ये ऐसा फाइटर कौन है जिसने मुझे अपनी मेरी जो जान को बख्श दिया। तो उसने बहुत कोशिश किया, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स से भी पता करने की कोशिश किया, बहुत सारे यू नो इंक्वायरीज किए, इवन जर्मनी में जाके उसने बहुत सारे इंक्वायरी किए, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन बाद में जैसे ही उसने इंक्वायरी स्टार्ट किया था 40 साल, तो उसके 3 साल बाद उसको एक आर्टिकल मिला, वो कनाडा में पब्लिश हुआ था, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में वहाँ पे पब्लिश हुआ था, और उसमें लिखा था कि भाई एक जर्मन पायलट ने एक ब्रिटिश पायलट को यू नो बख्श दिया। तो उसने कैसे तो उसको कॉन्टैक्ट किया, और कॉन्टैक्ट करने के बाद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसका एक ही मैसेज है कि भाई भले जो दुश्मन होता है अगर दिल का अच्छा है, लेकिन यू नो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वॉर छिड़ गई थी एंड दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, दोनों को पता भी नहीं था कि कौन किसको मार रहा है, तो इसकी वजह से ही स्टिगलर ने उसको बख्श दिया था। एंड एंड में यानी कि फ्यूचर में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, और 2008 में चार्ल्स ब्राउन देखता है कि भाई उसका दोस्त जो है स्टिगलर, उसका डेथ होता है, और उसी साल चार्ल्स ब्राउन का भी डेथ हो जाता है। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आगे भी जाके मस्त मजेदार वीडियोस के साथ में वापस आने वाला हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।